डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्स अबाउट दियरसन एच एस ए बी प्रिंसिपल विच हैजीन गिवन बाई पियर्सन इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री तो इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस देखा था उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पियरसन एच एस ए बी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे जो कि नाइनटीन सिक्सटी थ्री में पियर्सन ने दिया था So, according to Pearson's HSAB principle, what do we mean by HSAB? Hard, soft, acids, and bases. Hard acids they prefer bonding with the hard bases, and soft acids prefer bonding with the soft bases. हार्ड एसिड्स किसको प्रेफर करते हैं हार्ड बेसिस के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं और सॉफ्ट एसिड्स सॉफ्ट बेसिस के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं जबकि ये पहले भी देखा गया था जो क्लास वन के जो मेटल आयंस थे वो किसको प्रेफर कर रहे थे क्लास वन के लिगेंड को और जो क्लास टू के मेटल आयन थे वो किसको प्रेफर कर रहे थे क्लास टू के लिगेंड्स को तो उस, उसी पर बेस्ड पियर्सन ने जो थ्योरी दी हार्ड एसिड्स किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हार्ड बेसिस के साथ और सॉफ्ट एसिड्स किसके साथ बनाएंगे सॉफ्ट बेसिस के साथ सो दिस इज द एस एंस एच एस ए बी प्रिंसिपल और इस बेसिस पर हम इसकी क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स बता सकते हैं विच आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल तो एच एस ए बी प्रिंसिपल का जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंडस स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एच एस ए बी प्रिंसिपल और ये कैसे बताता है क्योंकि हमें पता है कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड एसिड के साथ क्या बनाएगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो जैसे हम देखें देखिए एक्स को मैंने माना है लुइस एसिड वाई को माना है लुइस बेस देखिए इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों जब मिलेंगे तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ लुइस एसिड्स एंड बेसिस तो ये क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स तो ये अगर एक्स भी हार्ड है और वाई भी हार्ड है तो अगर लुइस एसिड हार्ड है और लुइस बेस भी हार्ड है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा स्टेबल होगा अगर ये लुइस एसिड सॉफ्ट है और लुइस बेस भी सॉफ्ट है अगेन द कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल तो अगर सॉफ्ट और सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर हार्ड और हार्ड इंटरेक्शन होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये हमें क्या बताएगा स्टेबिलिटी रिएक्शन अगर किस डायरेक्शन में हो रही है उसके बेसिस पर कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बेसिस पर रिएक्शन हो पाएगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजी प्लस को देखें एजी प्लस कैसा है हैवियर एलिमेंट जिसके ऊपर कम चार्ज है तो ये क्या है सॉफ्ट एसिड I माइनस क्या है सॉफ्ट बेस है बड़ा साइज है हाई पोलबिलिटी है तो ये सॉफ्ट बेस है सॉफ्ट एसिड है जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करेंगे आसानी से ये फॉर्म करेंगे एजी आई टू माइनस क्योंकि ये क्या है सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है सो इट इज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी लेकिन हम यहां पर अगर देखें कि एजी एफ के साथ कोई रिएक्शन कर पाएगा या नहीं बिकॉज एफ माइनस स्मॉल साइज का है डोनर एटम इसका तो ये हार्ड बेस है ये सॉफ्ट एसिड है तो इस सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस एक दूसरे के लिए रिएक्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम जानते हैं पियर्सन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉफ्ट लाइक सॉफ्ट एंड हार्ड लाइक हार्ड तो ये जो इंटरेक्शन बनेगा अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा सॉफ्ट एंड हार्ड का जो कि कठिन काम है ये स्टेबल इंटरेक्शन नहीं है तो ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे तो ये स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन हो सकती है देखिए आसानी से एल आई आई प्लस सी एस एफ क्योंकि एल आई आई अनस्टेबल है ये जो लिथियम है ये अल्कली मेटल है तो ये हार्ड एसिड है ये आई जो है वो सॉफ्ट बेस है क्योंकि बड़ा साइज है इसका लिगेंड का तो ये हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन है दूसरा अगर सीएसएफ देखे तो ये भी सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्शन है तो ये भी अनस्टेबल है ये भी अनस्टेबल है तो जब ये दोनों अनस्टेबल है तो ये आसानी से क्या करेंगे रिएक्ट कर जाएंगे और ये क्या प्रोडक्ट देंगे एल आई एफ प्लस सी एस आई अब ये देखिए स्टेबल प्रोडक्ट बन गया ये भी हार्ड एसिड है ये हार्ड बेस है ये सॉफ्ट एसिड है ये सॉफ्ट बेस है तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों क्या है अनस्टेबल है और ये इंटरेक्शन क्या है हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट इसलिए ये प्रोडक्ट्स क्या है स्टेबल होंगे फिर आप देखें यहां पर ये जो इंटरेक्शन है एच और एस के बीच में है ये हार्ड है तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये नया इंटरेक्शन देखा देखे सी एओ तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है इसलिए ये कंपाउंड क्या है स्टेबल तो ये रिएक्शन पॉसिबल है सिमिलर वे में ये रिएक्शन भी पॉसिबल है क्योंकि यहां पर जो रिएक्टेंट्स हैं इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है एस और एच का सॉफ्ट हार्ड दिस इज हार्ड सॉफ्ट ये तो अनस्टेबल है इसलिए ये आसानी से रिएक्शन करेंगे और स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे सो so, द एचएसए बी प्रिंसिपल इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड अगर रिएक्शन इस और हो रही है हो रही है अगर इन दोनों के बीच में मतलब ये जो इंटरेक्शन है वो क्या बने हैं स्टेबल इंटरेक्शन कौन से इंटरेक्शन स्टेबल्स होंगे जो कि हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट के बीच में होंगे दूसरा जो एप्लीकेशन है एच एस ए प्रिंसिपल का वो क्या है कोऑर्डिनेशन ऑफ डेंटेड लिगेंड इन द कंपाउंड्स हमें क्या पता चलता है कि जो डेंटेड लिगेंड्स होते हैं जैसे एस सी एन है डेंटेड लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स बट दे हैव टू डोनर एटम्स उनके पास दो डोनर एटम्स होते हैं वो या तो देखिये यहाँ पर एस सी एन में क्या होगा या तो सल्फर के थ्रू एड हो सकता है मेटल के साथ या एन के थ्रू बॉन्डिंग बना सकता है ऐसे ही यहाँ पर सी और एन है तो ये सी के थ्रू बॉन्डिंग बना सकता है या एन के थ्रू यहाँ पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के थ्रू ये बॉन्डिंग बना सकता है तो इस तरीके के लिगेंट्स हम एम्पीडेंटेड लिगेंट्स कहते हैं जिनमें दो डोनर एटम होते हैं बट दे आर मोनोडेंटेड लिगेंट्स तो ये कैसे अटैच होंगे क्या ये सी से अटैच होगा या ये एन से अटैच होगा दैट विल डिपेंड अपॉन दी सेंट्रल मेटल आयन और ये किससे एक्सप्लेन हो पाएगा ये एच एस ए बी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो पाएगा अगर इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स है जहां पर आप देख रहे हैं एम एन सी एस होल फोर मतलब जो बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजन के थ्रू है ठीक है इसका मतलब है कि कौन से मेटल आयंस जुड़ेंगे सीओ एन आई सी यू जेड एन ये जनरली बॉर्डर लाइन है हार्ड टाइप है और नाइट्रोजन जो डोनर एटम होता है वो हार्ड टाइप होता है तो ये हार्ड और हार्ड का इंटरेक्शन होगा इसलिए ये वाला जो मेटल आयन होगा वो ये मेटल आइन्स होंगे अगर ये बॉन्डिंग एस के थ्रू होती है एस क्या है एक हेवियर एटम है तो अगर डोनर एटम एस होगा तो कैसे मेटल के साथ तो एस अगर डोनर एटम होगा तो ये कैसा है सॉफ्ट बेस तो कैसे एसिड्स के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि सॉफ्ट एसिड्स होंगे जो कि हेवियर एलिमेंट्स होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अधिक होंगे तो आसानी से हम बता सकते हैं कि प्लेटिनम पेलेडियम होंगे तो एस के थ्रू जुड़ेंगे अगर वो कॉपल्ट निकिल कॉपर जिंक होंगे तो वो एन के थ्रू जुड़ेंगे अगर एम्पीडेंटेड लिगेंड होगा क्योंकि इंटरेक्शन क्या होगा यहां पर हार्ड हार्ड और यहां पर जो इंटरेक्ट क्शन होगा वो सॉफ्ट सॉफ्ट होगा थर्ड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, देखे पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिसिस ये भी हमें पता चल जाएगा कि अगर जनरली देखिए आप निकिल है प्लेटिनम है पेलेटियम है क्रोमियम है मोलिबेडम है ये किसकी तरह एक्ट करते हैं दे एक्ट एज कैटाल और ये सब क्या है जनरली सॉफ्ट एसिड्स एसिडियर निकिल को छोड़कर बाकी कैसे हैं सॉफ्ट एसिड्स हैं अब अगर मान लीजिए कैटालिसिस की रिएक्शन हो रही है और क्या प्रेजेंट है वहां पर मान लीजिए कार्बोनिल की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या फास्फोरस आर्सेनिक कंटेनिंग लिगेंट्स हैं ऑलिफिन्स एरिनस डाइन्स एल्काइन्स ये सब कैसे लिगेंट्स हैं दे आर सॉफ्ट बेसिस ये कैसे हैं ये सभी के पास क्या है ये बॉन्डिंग मोलिक्रो ऑर्बिटल खाली है इनके पास तो ये जो है सॉफ्ट बेसिस हो गए और अगर इनकी इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी तो ये क्या करेंगे कैटालिस्ट की सरफेस पर देखिए कैटालिस्ट देखिये सर्फेस खुद बाइंड हो जाएंगे ये एक्टिव साइट है तो ये रिएक्शन को नहीं होने देंगे तो ये क्या कर देंगे पॉइजनिंग कर रहे हैं ये जहां पर किसको होना चाहिए जिनकी रिएक्शन होनी है एक्चुअली जो रिएक्शन के लिए हमने यहां पर ये कैटालिस्ट यूज किए हैं वो इस एक्टिव साइट में होने चाहिए लेकिन इस इन इम्प्योरिटीज की वजह से क्योंकि ये सॉफ्ट है ये भी सॉफ्ट है तो ये दोनों बाइंड हो जाएंगे इनकी बाइंडिंग की वजह से क्या हो जाएगी पॉइजनिंग इनकी पॉइजनिंग हो गई अब ये काम नहीं कर पाएंगे जबकि अगर इंप्योरिटीज किन की हो अगर यहां पर इम्प्योरिटीज होगी मान लीजिए कुछ और दूसरे लिगेंड्स जिनमें की नाइट्रोजन होगा ऑक्सीजन होगा आ, फ्लोरीन फ्लोरिन होगा तो वो पॉइजनिंग नहीं करेंगे तो हमें ये ध्यान देना होगा जब भी आ, कोई हम कैटालिटिक प्रोसेस कर रहे हो तो ये प्रेजेंट ना हो अगर ये मेटल आयंस होंगे तो नहीं तो क्या होगा इनकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है उनको रोक देंगे ये लिगेंड ड्यू टू तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टेबिलिटी एंड अकरेंस ऑफ ओर्स तो कोई मेटल आयन किसी पर्टिकुलर ओर की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं नेचर में और कोई मेटल आयन किसी पर्टिकुलर ओर की फॉर्म में होते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम विथ दी हेल्प ऑफ एच एस एपी प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है कैल्शियम है मैग्नीज़ है आयरन है क्रोमियम है सो ऑल दीज आयन्स दे जनरली एग्जिस्ट एज ऑक्साइड्स कार्बोरेट्स हेलाइट ओर्स ओके while uh, the uh, cations like copper lead mercury palladium uh, this silver they exist as sulfide ore why hota hai aisa why this occurs why this occurs कि ये वाले मेटल आयन तो ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स एंड हेलाइट की फॉर्म में मिलते हैं जबकि ये वाले मेटल आय किस फॉर्म में मिलते हैं सल्फाइड की फॉर्म में सो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद्प ऑफ एच एस ए प्रिंसिपल इसको एच एस ए प्रिंसिपल की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम इन मेटल आयंस को देखें दिज आर जनरली एल्कल अर्थ मेटल्स एंड लाइटर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सो दे आर हार्ड एसिड्स ये क्या है हार्ड एसिड्स है और ऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन डोनर हो कार्बोनेट्स हेलाइड्स ये क्या है हार्ड बेसिस तो हार्ड एसिड हार्ड बेस की स्टेबल जोड़ी है ऐसे ही ये जो ए, ए, कम एलिमेंट विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एसिड्स और जो सल्फाइड कंटेनिंग सल्फाइड है वो क्या है सल्फर क्या है जो सॉफ्ट बेस है तो ये इंटरैक्शन क्या होगा सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस का इसलिए ये इंटरैक्शन स्टेबल है तो इसलिए ये सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और ये ऑक्साइड्स कार्बोनेट एंड हैलाइट के बीच में मैं, uh, एडजिस्ट करेंगे और कुछ बॉर्डर लाइन मेटल के टाइन्स होते हैं वो सल्फाइड्स ऑक्साइड कार्बोनेट्स इन सभी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट एसिड्स के बीच की होती है तो अकरेंस ऑफ ओर्स ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल द एचएसए बी प्रिंसिपल इज ऑल्सो हेल्पफुल इन क्लासीफाइंग एसिड्स एंड बेसिस एज सॉफ्ट और हार्ड एसिड्स एंड बेसिस दैट डिपेंड्स अपॉन देअर प्रेफरेंस फॉर हार्ड और सॉफ्ट रिएक्टेंस एक्चुअली हम एसिड्स एंड बेसिस का सॉफ्ट और हार्ड में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल क्योंकि ये डिपेंड करेगा ये हमें कैसे पता चलेगा हम प्रिफ्रेंस देखेंगे और रिएक्शन किस ओर हो रही है हम ये देखेंगे अब जैसे इस एग्जांपल में हम जानना चाहते हैं कि बी क्या है ये सॉफ्ट है या हार्ड है तो ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है तो अगर ये देखिए ये जो हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया है ये एक सॉफ्ट एसिड का एग्जाम्पल है ओके okay? अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा सॉफ्ट होगा क्योंकि ये हमें पता है वी नो दैट सी एच थ्री एच जी प्लस इज अ सॉफ्ट एसिड और यहां पर जो भी इसके साथ रिएक्ट करेगा वो क्या होगा सॉफ्ट होगा क्योंकि एज वी नो ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है वो क्या होता है स्ट्रांग होता है तो इफ इफ बी इज अ सॉफ्ट बेस दैट द राइट हैंड साइड और द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड अगर ये सॉफ्ट बेस होगा तो रिएक्शन ऐसे होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये सॉफ्ट बेस नहीं होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो ये हमें पता चल जाएगा की ये अगर रिएक्शन हो रही है तो ये सॉफ्ट बेस है अगर नहीं हो रही है तो ये सॉफ्ट दिस इज हार्ड बेस अब यहां पर देखिए अगेन कि अब ये अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो इसका मतलब है सॉफ्ट एसिड है अगर ये नहीं हो रही होती तो ये सॉफ्ट एसिड नहीं होता लाइकवाइज so यहां पर भी आप देखिए कि ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये हो रही है तो इसका मतलब ये एक हार्ड एसिड था अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती तो ये नहीं था तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये जो 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 रिएक्ट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल ये क्या रही होगी इफ इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट मीन इट इज अ सॉफ्ट बेस एच एस आईबी प्रिंसिपल इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होगी ये ये बताता है एचएसआईबी प्रिंसिपल जैसे देखिए एच टू है एन एच थ्री है एच एफ है ये सभी क्या है हार्ड बेस है क्योंकि इनमें क्या है कि ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है या एफ आर द डोनर एटम्स विच आर है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो दीज आर हार्ड बेस ओके और अगर हम एच प्लस को देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके थ्रू करता है ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल के एच प्लस के थ्रू एंड एच प्लस इज अ हार्ड एसिड ओके तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एनओ एफ दे आर द डोनर एटम्स दे आर हार्ड बेसिस दो सो दे कैन इजिली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज दे आर बॉन्डेड विद द एच प्लस आयन ऑफ द नेदर मॉलिक्यूल ओके सो इट एच प्लस इज अ हार्ड एसिड एच प्लस क्या है एक हार्ड एसिड है कि एच प्लस दूसरे एच टू ओ मॉलिक्यूल का मान लीजिए तो ये हार्ड एसिड है और ये इसका जो डोनर एटम है है क्या हार्ड बेस सो इंटरेक्शन विल गोइंग टू टेक प्लेस ज इन बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस प्रोटोन सो दिस इज हार्ड एंड हार्ड इंटरैक्शन सो हार्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद देल्प ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल नाउ द सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर यह भी हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल अगर हम देखें सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस अब हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरीज तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कोवोलेंट बॉन्ड होता है ठीक है तो अगर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो दे आर लेस सोलबल इन वाटर पोलर सोलवेंट ये नॉन पोलर बॉन्ड है तो ये पोलर सॉल्वेंट में इजिली डिजोल्व नहीं होंगे फॉर एग्जाम्पल एजीआई ए जी आई क्या है एक सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है ये सॉफ्ट एसिड है ये सॉफ्ट बेस है इट इज इनसोलबल इन वाटर और अगर हम देखें जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है आयनिक बॉन्ड होता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड है इसलिए दे आर मोर सोलिबल इन वॉटर फॉर एग्जाम्पल एल आई आई एल आई आई क्या होता है वॉटर में सोलबल होता है तो इसकी सोलिबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि एच एस ए प्रिंसिपल से भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि वट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन बिटवीन एसिड एंड बेस हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस तो उस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि सोलिबल किसमें कंपाउंड सोलिबल होगा फिर देखिए uh, जो एक और अप्लीकेशन है वो है अबाउट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो ये हमको ये भी पता चल जाता है कि uh, क्यों प्रेसिपिटेट बन रहा है और क्यों नहीं बन रहा है या किसके साथ प्रेसिपिटेट बनेगा जैसे आपने बेसिक रेडिकल्स भी पढ़े होंगे वहां पर आपने देखा होगा कि जैसे मर्करी है मर्क्यूरिक है ये क्या है सब सॉफ्ट है तो हम इसको H2S से क्या कर सकते हैं इनको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या बनाते हैं सल्फाइड्स सल्फाइड्स की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट किए जा सकते हैं क्योंकि सल्फर के साथ ये आसानी से बॉन्ड बनाएंगे स्टेबल बॉन्डिंग बनाएंगे बिकॉज सल्फाइड इज सॉफ्ट एंड दिस दीज मेटल आइंस दे आर ऑल्सो सॉफ्ट जबकि ये बॉर्डर लाइन देखिये बॉर्डर लाइन तो खेल सल्फाइड भी बना लेंगे कार्बोनेट्स भी बना लेंगे क्योंकि उनमें बीच की कैरेक्टरिस्टिक होती है अगर हम हार्ड एसिड्स को देखें जैसे बेडियम स्टोनशियम कैल्सियम है हार्ड एसिड्स को अगर देखें तो वो क्या बनाते हैं जनरली कार्बोनेट्स देखिये आपने फिफ्थ ग्रुप रेडिकल पढ़े होंगे और फिफ्थ ग्रुप रेडिकल में आपने पढ़ा होगा कि ये हम क्या करते हैं एनएच फोर ओ एच की प्रेजेंस में अमोनियम कार्बोनेट को यूज करते हैं मतलब दे कैन बी प्रेसिपिटेट इन दम ऑफ कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स आर हार्ड एंड दीज आर दार्ड एसिड्स तो ये प्रेसिपिटेशन भी जो देखिए ग्रुप रेडिकल में हो रहा है उसको भी हम एच एस ए बी प्रिंसिपल की आधार पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो सो देयर आर देयर इज द इंटरक्शन इट इज हार्ड एंड हार्ड एंड हेयर द इंटरेक्शन इज सॉफ्ट सॉफ्ट सल्फाइट एंड दीज सॉफ्ट एसिड्स Carbonates and hard acids. So, these are the stable combinations. So, they can be precipitated as sulphide, and these can be precipitated as carbonates. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरीज ऑफ एच एस ए बी प्रिंसिपल एच एस ए बी प्रिंसिपल के लिए जो थ्योरीज हैं वो डिफरेंट थ्योरीज हैं कि एस और एस जब इंटरक्शन होता है या एच और एच इंटरेक्शन जब होता है तो उनके बीच में किस तरीके के बॉन्ड बनते हैं तो अगर हम हार्ड और हार्ड इंटरैक्शन को देखें ये जो पहली थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में अगर आप देखें हार्ड और हार्ड के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा तो वो आयनिक इंटरेक्शन होता है ओके तो आयनिक इंटरेक्शन जो है वो क्यों होता है वो हम देखेंगे ये देखिए एक ये हार्ड बेस है और ये एक हार्ड एसिड है हार्ड जो बेस होगा वो आपने देखा था हार्ड बेस में क्या होगा कि जो जो डोनर एटम्स होंगे वो क्या होंगे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और जो हार्ड एसिड्स थे उनमें क्या होती है उनको अगर आपने देखा होगा उनके ऊपर हाई चार्ज होता है तो इनके ऊपर भी हाई चार्ज होता है और ये भी क्या होते हैं uh, कुछ तो हाई चार्ज वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं जिनकी बहुत uh, जो डोनर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत हाई होती है दे आर मोर हाईली पोलराइजेबल ओके तो इन दोनों के बीच में इसके इसकी बहुत अच्छी चार्ज है पॉजिटिव तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है तो ये जो हार्ड बेस है और हार्ड एसिड है हार्ड एसिड के हाईली चार्ज है आपने देखा तो ये जो है जो बॉन्ड बनाएंगे वो आयनिक बॉन्ड होगा और इस बॉन्ड में कुछ एनर्जी रिलीज होगी अब फिर से आप इसको याद करिए कि जो हार्ड एसिड्स थे वो स्मॉलर आयंस थे उनके ऊपर हाई चार्ज था ठीक है जो स्मॉलर आयंस होंगे दूसरा आपने हार्ड बेस देखे हार्ड बेस कौन थे जैसे एफ माइनस था देखिए एफ माइनस इज द हार्ड बेस एंड अगर मैं एग्जांपल लू किसी भी आई फोर प्लस है यहां पर सी एल माइनस भी है ठीक है तो ये ये भी स्मॉल साइज है और ये भी स्मॉल साइज है क्योंकि इनके ऊपर हायर चार्ज है तो ये दोनों स्मॉल साइज है जब दोनों स्मॉल साइज होंगे तो इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी कम होगी छोटा साइज छोटी डिस्टेंस और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन होगा इन बिटवीन द आयंस ओके और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन होगा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है तो मोर एनर्जी विल रिलीज़ और जितनी एनर्जी रिलीज होगी जितनी एनर्जी रिलीज होगी मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी तो बाकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी तो प्रोडक्ट क्या होगा स्टेबल होगा हाईली तो दिस इज इलेक्ट्रो इंटरेक्शन थ्योरी जहां पर आपने देखा कि आयंस जितने छोटे होते हैं वो कैटायंस और एनायंस हार्ड बेस और हार्ड एसिड दे आर स्मॉलर इन साइज जितने छोटे होंगे द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी स्मॉलर जितनी कम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी द इलेक्ट्रो अट्रैक्शन विल बी मोर द इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन विल बी मोर मोर एनर्जी विल रिलीज एंड इफ मोर एनर्जी विल रिलीज द दिफॉर्म्ड कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल सो हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है आयनिक इंटरेक्शन जो दूसरी थ्योरी है एच एस बी प्रिंसिपल की वो है कोवलेंट बॉन्डिंग अब अब हम बात करते हैं सॉफ्ट और सॉफ्ट इंटरेक्शन की तो अगर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है तो बॉन्ड कैसा बनता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है ओके okay? तो आप इसको हम एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि अगर हम एजी प्लस देखें इट इज अ सॉफ्ट एसिड एंड सीएल माइनस क्या है एक सॉफ्ट बेस है ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे एजीसीएल जिसकी टेंडेंसी कैसी होगी कोविलेंट अब देखिए ए जी प्लस बिकॉज इट इज सॉफ्ट एसिड तो इसमें क्या होंगे ग्रेटर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये मोल पोलराइजिंग पावर इसकी होती है और अगर हम सीएल माइनस को देखें तो इसकी ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी होती है तो हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ दिस सॉफ्ट बेस एंड सॉफ्ट uh, जो एसिड है उसकी मोर पोलराइजिंग पावर है इस वजह से क्या होगा इन दोनों के अब आपने पढ़ा है फजान सुरूल कि जो अगर कैटाइन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा हो और एनायन की पोलराजेबिलिटी ज्यादा हो तो इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड कैसा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए सॉफ्ट और सॉफ्ट इंटरेक्शन अगर होगा तो कैसा बॉन्ड होगा कोविलेंट बॉन्ड होगा तीसरे तरीके की जो बॉन्डिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू एच एस एव प्रिंसिपल वो सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन में हो सकती है पाई बॉन्डिंग ये भी एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड है तो ये भी पॉसिबल है और ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा वाला है ओके okay? तो अगर हम सॉफ्ट एसिड को देखें तो सॉफ्ट एसिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है लो होती है और इसमें हाईली डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो देखिए सॉफ्ट बेस होगा वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड जैसे अनसेचुरेटेड लिगेंड्स हैं ठीक है तो पाई एक्सेप्टर है इसके पास बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल खाली होता है ओके तो ये क्या कर सकता है बैक बॉन्डिंग कर सकता है क्योंकि ये जो सॉफ्ट बेसिस हैं दे आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड ऑल्सो सो थ्रो बैक बॉन्डिंग दे कैन फॉर्म पाई बॉन्ड देखिये ये जो है ये है सॉफ्ट बेस और यह सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड, बेस की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सिग्मा बॉन्ड तो होगा, होगा और वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है क्योंकि जो सॉफ्ट बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी होते हैं देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ एच एस ए प्रिंसिपल कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं तो वो हम देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं एच एस ए प्रिंसिपल क्या बता नहीं पाता तो एक तो यह है कि नो क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट कोई मेजरमेंट नहीं है कि ये वाला जो एसिड है वो स्ट्रांग होगा ये वाला जो सॉफ्ट एसिड है ये वीक होगा इसका कोई मेजरमेंट नहीं है फिर आप देखेंगे कभी कभी ये एच एस ए बी प्रिंसिपल वर्क नहीं करता है कहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है ये रिएक्शन देखिए ये सॉफ्ट बेस है और ये क्या है हार्ड एसिड है तो आप ये देखेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली हो जाएगी जबकि ये जो नया इंटरेक्शन बन रहा है वो क्या है हार्ड सॉफ्ट और ये तो खैर हार्ड है तो ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये तो एक स्ट्रांगर सॉफ्ट बेस है और जो F माइनस है ये भी वी एक वीक हार्ड बेस है सो दिस स्ट्रांगर सॉफ्ट बेस कैन इजिली रिप्लेस द वीक हार्ड बेस तो कई बार क्या होता है कि जो स्ट्रांगर एसिड या बेस होते हैं वो वीकर एसिड या बेस को रिप्लेस करते हैं तो वहां प्रिंसिपल वर्क नहीं करता सो नेगेटिव सॉफ्ट बेस बेस है वो माइनस वीकर हार्ड होने की वजह से ये इसको रिप्लेस कर देगा और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा एच एस यानी हार्ड एंड सॉफ्ट टाइप का कॉम्प्लेक्स uh, बनेगा और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो so, कहीं कहीं पर क्या होगा एच एस एच एस ए बी प्रिंसिपल की यही एक ड्रॉबैक है कि ये कहीं कहीं पर काम नहीं करेगा अब यहां पर देखिए आप जैसे ये अब यहां पर भी काम नहीं कर पा रहा है देखिए ये सॉफ्ट है ये सॉफ्ट है लेकिन ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन इज नॉट स्टेबल ये रिएक्शन नहीं हो पाती है जबकि यहां पर इंटरेक्शन क्या हो रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट और यहाँ पर जो इंटरेक्शन जो बन रहा है वो एच बन रहा है लेकिन ये पॉसिबल है और ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ एच प्रिंसिपल नेक्स्ट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एच एस एवी प्रिंसिपल दैट इज सिम्बाइसिस आप देखिए सिम्बाइसिस सिम्बाइसिस आपने कई जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने वहां पर भी पढ़ा होगा कई बार वो एग्जाम में अगर सिम्बाइसिस आता है तो वो उसको लिखते हैं बायोलॉजी वाले को लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी है वहां पर भी एक टर्म है सिम्बाइसिस तो आपको अपने दिमाग में ये जोर डालना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेस की बात कर रहा हूँ वहां पर अगर केमिस्ट्री में सिम्बाइसिस है तो इसका मतलब वो 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 सहजीविता वाला सिम्बाइसिस नहीं है वो सिम्बाइसिस हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस वाला सिम्बाइसिस है तो ये जो सिम्बाइसिस है ये एटीन में दिया गया और ये ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स एंड बेसिस की प्रिंसिपल पे बेस्ड है ओके तो अकॉर्डिंग टू दिस सिंबाइसिस सॉफ्ट लिगेंड कंबाइंस विद द मेटल आयन ऑलरेडी अटैच विद द सॉफ्ट लिगेंड जो सॉफ्ट लिगेंड होते हैं वो किसके साइड कंबाइन होते हैं ऐसे मेटल आयन के साथ कंबाइन होते हैं जिनके पास पहले से सॉफ्ट लिगेंड होते हैं उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं इज जो हार्ड लिगेंड्स होते हैं वो किसके साथ कंबाइन होते हैं ऐसे मेटल आयन के साथ कंबाइन होते हैं विच आर ऑलरेडी अटैच हार्ड लिगेंड जिनके साथ पहले से ही हार्ड लिगेंड अटैच होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखिए बी एच थ्री है बी एच थ्री में बी एक ऐसा मेटल आयन है जिस जिस जो जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है एक सॉफ्ट बेस और H माइनस क्या है सॉफ्ट बेस है तो जो एच माइनस एक सॉफ्ट बेस है वो इस मेटल आयन के साथ अटैच होना चाहता है जिसके पास पहले से ही सॉफ्ट बेस है तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बी एच फोर माइनस अब यहां देखिए एफ जो है वो हार्ड बेस है और एक हार्ड बेस इससे अटैच होने जा रहा है तो हार्ड बेस किससे अटैच होने की टेंडेंसी रखता है इस मेटल आयन से जिसमें पहले से ही हार्ड बेस अटैच है तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बी एफ फोर माइनस तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सिम्बायसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है

दो तरीके के सब्सिट्यूएंट हैं तो ये आपको अनसिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है ये कंपाउंड तो ये कंपाउंड क्या अनसिमेट्रिकल है दूसरा कंपाउंड है ये भी अनसिमेट्रिकल है इसमें भी दो तरीके के देखिए इसमें सब्सटीट्यूएंट है तो ये भी मिक्स्ड कंपाउंड ये भी अनसिमेट्रिकल है ये भी अनसिमेट्रिकल है तो अकॉर्डिंग टू सिम्बाइसिस क्या होगा कि ये जो अनसिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा सिमेट्रिकल स्पेसिस देगा तो ये भी सिम्बाइसिस है क्यों है देखिए अब यहां पर देखिए इसके ये जो बी है इसके साथ दो तरीके के लिगेंड्स हैं एक तो ये सॉफ्ट बेस है और हार्ड बेस है और यहां पर ज्यादा कौन है हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस कम है तो ये जो हार्ड बेस है ये कहा जाने की कोशिश करेगा उस मेटल आयन के साथ जिसके साथ ज्यादा हार्ड बेस जुड़े हैं और ये जो है ये सॉफ्ट बेस किसके साथ जाने की कोशिश करेगा इस मेटल के साथ जिसके साथ ज्यादा सॉफ्ट बेस जुड़े हुए हैं इसलिए फाइनली ये क्या करते हैं ये सिमेट्रिकल टाइप के सब्सटेंस बनाते हैं ओके अब आप देखिए अगेन यहां पर ये ये ऐसे मेटल आयन के साथ अटैच होगा जो फ्लोरीन है क्योंकि ये क्या है हार्ड बेस है जहां पर पहले से ही बहुत सारे हार्ड बेस हैं तो ये यहां चला जाएगा सी एफ फोर बना देगा और ये एच जो है वो यहां चला जाएगा तो ये सी एच फोर बना देगा तो ये क्या करेंगे सिमेट्रिकल स्पेसीज जनरेट करेंगे एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिम्बाइसिस नाउ वी विल कंक्लूड द लेक्चर इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा एक तो हमने पढ़ा एच एस ए बी प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग करता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग करता है फिर हमने पढ़ी इसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो थी वो क्या थी एक तो हमें इससे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड पता चलते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में पता चलता है कि कौन सी साइड से लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होगा तीसरा हमें पता चलता है अबाउट पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिसिस। फिर हमें पता चलता है इससे अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ ओर्स की ऑर्स जो है वो किस फॉर्म में सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं या कार्बोनेट की, की या क्लोराइड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं देन इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसको भी हम एच एस एवी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंडस इन वाटर यानी पोलर सोलवेंट में हम बता सकते हैं क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि Uh, जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है वो कोवोलेंट है तो वो लेस सॉल्युबल होगा वाटर में और अगर हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है तो वो सॉल्युबल uh, होगा वाटर में फिर हम इससे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बता सकते हैं कि क्यों सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं कुछ आयंस और कुछ आयंस कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो सकते हैं फिर हम क्लासीफाई uh, कर सकते हैं एसिड्स और बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ दिस हार्ड एसिड एंड दिस एच एस ए प्रिंसिपल अगर हमें हमें ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज हार्ड एसिड है कि सॉफ्ट एसिड है और बेस है और एसिड है सॉफ्ट देन uh, हमने थ्योरीज पढ़ी इसमें हमने एक थ्योरी पढ़ी इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन uh, जिसमें हमने पढ़ा कि एच और एच के बीच में हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो आयनिक होता है फिर कोवलेंट बॉन्डिंग हमने इसमें पढ़ी और उसमें पढ़ा कि एस और एस के बीच में सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में जो इंटरेक्शन या बॉन्डिंग होती है इंटरेक्शन तो नहीं कहेंगे एक्चुअली इट इज बॉन्डिंग इंटरेक्शन तो वेरी वीक होता है तो यहां पर हम कहेंगे जो बॉन्डिंग है वो क्या है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और ये जो पाई बॉन्डिंग हमने इसके बाद पढ़ी जो कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेज के बीच में पाई बॉन्डिंग भी हो सकती है दैट इज ड्यू टू एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इन दी सॉफ्ट बेसिस दे आर सर्टेन लिमिटेशन समटाइम्स एक तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि स्केल uh, है कोई मेजरमेंट का कौन सा हार्ड होगा कौन सा स्ट्रोंगर होगा एसिड कौन सा वीकर होगा फिर कई बार क्या होता है कि जो एच एस आई भी प्रिंसिपल होता है वह अप्लाई नहीं होता है कई जगह पर तो ये इसके लिमिटेशंस हैं देन हमने सिम्बाइसिस पढ़ा और सिम्बाइसिस में पढ़ा कि जो सॉफ्ट लिगेंड हैं वो कंबाइन होते हैं ऐसे मेटल आयन के साथ जिनमें पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं और हार्ड लिगेंड कंबाइन होते हैं उन मेटल आयन्स के साथ जिनमें पहले से ही हार्ड लिगेंड अटैच्ड होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द एच एस ए प्रिंसिपल देयर एप्लीकेशन एंड देयर लिमिटेशंस देयर थ्योरीज एंड ओके In the next lecture we will discuss about the hardness uh, and electronegativity